यूपी के बरेली जिले के थाना इज्जतनगर थाना क्षेत्र में रोड नंबर 1 रामनगर कॉलोनी में एक 5 वर्षीय नवजात बालिका के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया। बालिका पड़ोस में एक मुस्लिम समुदाय की दुकान के अंदर खून से लथपथ अवस्था में मिली। अंदेशा लगाया जा रहा है कि रेप की घटना हिंदू बालिका के साथ किसी मुस्लिम व्यक्ति ने की है। लड़की बेहोश थी, कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी, जिसको देखकर वहां का हिंदू समुदाय भड़क गया। पुलिस को जानकारी देने के बावजूद 3 घंटे व्यतीत होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। आक्रोशित भीड़ ने एकत्र होकर बरेली नैनीताल हाईवे जाम कर दिया। घटना स्थल पर हिंदू जागरण मंच के साथ साथ अन्य हिंदू संगठन भी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि यदि गिरफ्तार नहीं किया गया और फांसी नहीं दी गई तो हिंदू जागरण मंच आंदोलन करेगा। असल वो बच्ची मेरी ऐसी थी, ये 2 बहनें हैं और 1 लड़का है, ये 6 साल की बच्ची है और बहुत समझदार है, घर के अंदर बोलती चालती सब कुछ है, सब कुछ जानती भी है, लेकिन वो किस तरीके से झांसे में वो फंस गई ये मैं नहीं जानता। लेकिन उसके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, वो आज मौत और ज़िंदगी के बीच लड़ रही है। सर मैं 3:30 बजे चौराहे बैठ हुआ था, मेरी एक बहन भागती हुई आई, मेरे को बोली कि लड़की अपनी पड़ी हुई मोहन लेगी। हम उसे उठा के लेकर आए, लड़की बहुत बुरी हालत में थी, हम मुस्लिम बहुत क्षेत्र में थी, वो समझो हमें चाहिए इंसाफ। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।